तो राम मंदिर बनवा दिए। सब दिखावा है, सब दिखा कि मोदी मेरा बाप है तब मानेंगे, चाहे सम्राट चौधरी हो। सम्राट चौधरी सुनिए, सम्राट चौधरी जी मोदी को भले भी आप बाप बना लीजिए, आप लोग तो बेशरम वाले लोग ऐसे हैं जो आज अपने बाप को भी भूल गए हैं। तो समझ लीजिए जनता जनार्दन लोग, जो लोग अपने बाप को भूल सकता है वो जनता को भी भूल सकता है। प्रमाण पत्र हम बनवा देंगे और उसमें आपके बाप के जगह नरेंद्र मोदी लिखवा देंगे, संपर्क जरूर करिएगा। इतना अंधभक्ति सही, मैं अपने बाप की बेटी हूँ, मैं हरिश्चंद्र यादव की बेटी हूँ, मैं किसी का मैं परिवार। लालू यादव वो शेर है जिसकी एक बयान से गिद्धों में हलचल मच गई है। लालू यादव वो व्यक्ति है जिनकी एक बयान से पूरे देश में कोहराम मच चुका है। देखिए, इंडिया महागठबंधन की कल महारैली पटना के गांधी मैदान में थी और वहां पर लालू यादव ने कहा कि मोदी जी जो है हिंदू नहीं है। सोचिए कि हिंदुओं का सबसे बड़ा नेता, हिंदुओं का सबसे बड़ा नेता के तौर पर मोदी जी सामने आते हैं। एक तरफ लोग कहता है कि हिंदुओं के ही नेता है, एक तरफ लालू यादव जी आकर के कहते हैं, मंच से हुंकार भरते हैं, कहते हैं कि मोदी जी हिंदू तो नहीं हो सकते हैं। अब इतना बड़ा बयान, उसके बाद हम चाहेंगे कि प्रिया राजी क्या कुछ कहेगा मोदी जी को कहने कि हिंदू नहीं है, हिंदुओं के लिए इतना बड़ा काम किया, राम मंदिर जैसा महल बनवा दिया उन्होंने राम के लिए, और आप एक तरफ लालू यादव जी कहते हैं कि ये तो हिंदू है ही नहीं, आप क्या कहिएगा इस पर? सही तो बोल रहे हैं लालू यादव जी। लालू यादव जी गरीब का मसीहा है। बिहार का जो स्थिति बहुत बदतर था, एक दलित समाज का, एक पिछड़ा समाज का लड़का नहीं कभी आगे बढ़ सकता था, ना कभी बोल सकता था, उनका देन है लालू यादव जो आज कहीं ना कहीं बन रहा है। तो लालू यादव वो शेर है जिसकी एक बयान से गिद्धों में हलचल मच गई है। लालू यादव वो व्यक्ति है जिनकी एक बयान से पूरे देश में कोहराम मच चुका है। तो वो लालू यादव जी है जो 75 साल के तो हो चुके हैं, लेकिन 75 साल के उम्र में भी देश में कोहराम मचा देने का काम करते हैं, वो है लालू यादव। सुनिए, पहले हिंदू की बात कर रहे हैं तो लालू यादव जी ने सही कहा है कि मोदी हिंदू नहीं है। कैसे मान ले मोदी हिंदू है? सही तो बोल रहे हैं, कैसे मान ले? मोदी जी तो राम मंदिर बनवा दिए, सब दिखावा है, सब दिखावा। अगर वो सही मायने में हिंदू होता तो उनकी माँ की जब मृत्यु हुई थी तो उन्होंने बाल और दाढ़ी क्यों नहीं कटवाए? और वो बात करते हैं परिवारवाद पे, आज एक बयान पे मोदी जी के लोग ने, हम मोदी के परिवार है, हम मोदी के परिवार है, तो भाई हम ऐसे नहीं मानेंगे। जाके जातीय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा और उसमें लिखाना पड़ेगा कि मोदी मेरा बाप है तब मानेंगे, चाहे सम्राट चौधरी हो। सम्राट चौधरी सुनिए, सम्राट चौधरी जी मोदी को भले भी आप बाप बना लीजिए, आप लोग तो बेशरम हैं कि शकुनी चौधरी को बाप मानने से इनकार कर रहे हैं और मोदी को बाप बना लिए। तो भाजपा के लोग इतने अंधभक्त हो चुके हैं, इतने अंधभक्त हो चुके हैं कि अपना बाप को भी ये लोग भूल गया। अरे हम मानते हैं, हम लालू यादव के साथ विचारों के साथ है, लेकिन मैं अपने बाप की बेटी हूँ, मैं हरिश्चंद्र यादव की बेटी हूँ, मैं किसी का मैं परिवार नहीं हूँ। वैचारिक रूप से मैं लालू यादव के साथ हूँ, वैचारिक रूप से मैं तेजस्वी यादव के साथ हूँ, लेकिन जब परिवार के बात आता है ना तो मैं अपने बाप की बेटी हूँ। ये जो है बीजेपी जैसे अंधभक्त लोग जो सोशल मीडिया पे 10 गो 5 गो नाम बदल लेने से तुम्हारा आपका मोदी जी वंश नहीं बदलने वाला है, ये समझ लीजिए। ट्विटर पर ट्रेंड चलवा लेने से आपका वंश नहीं बदलने वाला है, ये समझ लीजिए। मोदी जी के सवाल करेंगे कि बताइए, मोदी जी तो कहते हैं कि हम परिवारवाद नहीं करते हैं, मोदी जी ने किसी अपने परिवार के लोगों को राजनीति में नहीं लाया, लेकिन एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि चाहे नीतीश कुमार भी जाने के बाद कह रहे हैं कि लालू यादव जी परिवारवाद करते हैं, लोग खाली परिवार के ही लोग इनके राजनीति में आते हैं, शीर्ष नेतृत्व परिवार के लोगों को ही रहता है, तो परिवारवाद का तो आरोप लगता है RJD पे सबसे ज्यादा लगता रहा। कहां से परिवारवाद का? अरे हम तो ये कहते हैं कि सही बात बोले हैं लालू जी, मोदी जी के पास परिवार नहीं है तो वो परिवार का दर्द क्या समझेंगे बताइए ना। जिसके पास परिवार होता है ना वो गर्व से कहता है ये हमारा बेटा है, ये हमारा परिवार है। तो मोदी जी आपके पास परिवार नहीं है, ये 4 गो 5 गो ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे लिखवा लेने से आपका वंश चेंज नहीं हो जाएगा, या आपका वंश बढ़ नहीं जाएगा। मोदी जी के जो अंधभक्त लोग हैं उनको जाके बता दीजिएगा, सम्राट चौधरी जी
जन्म प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा, और नहीं अगर बनवाने आता है तो हमसे संपर्क करिएगा। सम्राट चौधरी जी, आपका जन्म प्रमाण पत्र हम बनवा देंगे और उसमें आपके बाप के जगह नरेंद्र मोदी लिखवा देंगे, संपर्क जरूर करिएगा। इतना अंधभक्ति सही नहीं है कि बाप के बाप को भी हम भूल जाए। हम मानते हैं राजनीतिक विचार अलग चीज है, लेकिन कुछ भी जो मन में आएगा वही बोल देंगे। ऐसा तो नहीं कि लालू यादव जी राजनीतिक तौर पर मोदी पे निशाना साध करके हिंदू नहीं है बोल करके हिंदुओं का वोट जो मोदी जी ने बनाया है राम मंदिर के नाम पे, राम मंदिर बनवा करके जब हिंदू लोगों का विश्वास जीता है राम मोदी जी ने बीजेपी ने, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ये जो पटना में जो भीड़ थी क्या धर्म के नाम पे भीड़ थी? ये भीड़ जो पटना में जो रैली हुआ है क्या वो धर्म के नाम पे भीड़ थी? ये धर्म के नाम पे भीड़ नहीं थी, ये रोजगार के नाम पे भीड़ थी, ये विकास के नाम पे भीड़ थी, ये किसान के नाम पे भीड़ थी, ये धर्म के नाम पे भीड़ नहीं थी। और आज तक हमें नहीं लगता है आज तक इतनी भीड़ किसी भी बड़े दल के नेता के रैलियां में इतनी भीड़ होगी जितनी भीड़ लालू यादव तेजस्वी यादव की रैली में भीड़ थी। तो ये क्या धर्म के नाम पे भीड़ थी? धर्म दो मिनट के लिए हम मानते हैं कि धर्म अपनी जगह है, धर्म पे हम कोई कटाक्ष नहीं करते हैं, लेकिन हमें कलम हमें चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हम मानते हैं भगवान को, हम मानते हैं भगवान को, भगवान पे कोई कमेंट नहीं, लेकिन ये जो भीड़ थी गांधी मैदान में वो धर्म के नाम पे नहीं थी, ये रोजगार के नाम पे थी, ये क्या कहें विकास के नाम पे थी। और जिस तरह से संविधान को खत्म करने की कोशिश किया जा रहा है ये संविधान बचाने की भीड़ थी, ये आप समझ लीजिएगा। इन लोगों को बता दीजिएगा, इन लोगों की जो औकात थी ना ये सब हवा में टाइट हो चुकी है। ये लोग की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है उस दिन की कल की भीड़ को देख के कि लोग की अब जवान कुछ नहीं है मुंह में कि अब क्या बोले, तो ये लोग अलवला गए हैं, ये लोग अपने बाप को भूलने लगे हैं। भाजपा वाले लोग ऐसे हैं जो आज अपने बाप को भी भूल गए हैं। तो समझ लीजिए जनता जनार्दन लोग, जो लोग अपने बाप को भूल सकता है वो जनता को भी भूल सकता है। देखिए आरजेडी की कार्यकर्ता है और बहुत ही गुस्से में है, क्योंकि इन्होंने कहा कि लालू यादव जी ने जो स्टेट पर कहा था कि बीजेपी के जो मोदी जी हैं नरेंद्र मोदी, हालांकि प्रधानमंत्री है भारत के, उनको कहा कि ये हिंदू नहीं है। अब क्यों कहा, कैसा कहा, ये तो आप लोग बताइएगा, हमारी इसमें कोई राय नहीं है, लेकिन इनकी बातों से आप कितना समय था, इनकी बातें इनकी निजी राय है, इससे आप जनता बोलेगी न्यूज ताल्लुक नहीं रखता, इनकी निजी राय पर आप कितना व्यक्त करते हैं सहमति इस बात को लिखिएगा, और अगर व्यक्त नहीं करते हैं सहमति तो भी लिखिएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे, इनकी बातें सही लगे, तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद।